Good morning, students. Today we will start our class. First of all, we will recall some points which we have referred in previous class. So, हमने in short में क्या पढ़ा था उस दिन? Nutrition के बारे में पढ़ा था. Nutrition हमें कैसे मिलता है? हम कोई भी food खाते हैं तो उसमें जो भी nutrients होते हैं, जो component of food हमने पढ़े थे, वो उसके through हमें सारा nutrition मिलता है. देन उसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था? तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंस, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, या तो उसे ऑटोट्रॉप्स, उस प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है. देन उसके बाद हेटरोट्रॉप्स किसे बोलते हैं? तो ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स. अब हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन है कि फूड फैक्ट्रीज, जो खाना बनता है प्लांट में, तो उसकी फूड फैक्ट्रीज कहाँ पर है? क्या खाना जो फूड प्लांट अपना फूड बनाती है वो हर एक पार्ट में बनता है प्लांट के, या कुछ पार्ट में बनता है? देन उसके बाद हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल? प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, तो वो उसे किस तरह से मिलते हैं, और ये किस तरह से हर एक प्लांट में या प्लांट की जो फूड फैक्ट्रीज है उसमें पहुंचाया जाता है. सो नाउ वी विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फूड मेकिंग प्रोसेस है. प्लांट में जिस तरह से खाना बनता है तो उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. लीव्स, ये फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट की, या फिर लीव्स को किचन भी बोला जाता है प्लांट का. इसीलिए ये ज़रूरी है कि हर एक रॉ मटेरियल वो लीव तक पहुंच सके. वाटर, मिनरल्स, ये सब सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, और इन्हें कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट्स. रूट्स का काम ये है कि वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उसे लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है. देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है? तो प्लांट में जो लीफ है उसके ऊपर एक टाइनी पोर्स होते हैं, तो वो टाइनी पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और ये पोर्स को कौन, उसके आसपास कौन होगा? गार्ड सेल्स होंगे, और उस पोर को बोला जाता है स्टोमेटा. सो नाउ वाटर और मिनरल्स, ये दोनों ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द लीव्स बाय द वेसल्स. वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? वेसल. और ये एक पाइपलाइन सिस्टम होता है जो रूट से लेके लीव्स तक कनेक्टेड रहता है. और ये पाइपलाइन सिस्टम यानी ये वेसल स्टेम में भी प्रेजेंट रहता है, ब्रांचेस में भी, और लीव्स में भी. और ये एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं ताकि सारा न्यूट्रिएंट्स रूट से लेके लीव तक पहुंच सके. और ये पैसेज को बोला जाता है वेसल्स. नाउ यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो प्लांट्स में होता है वो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे. लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होगा क्लोरोफिल. क्लोरोफिल किस काम आता है? तो ये लीव्स में एनर्जी यानी जो सनलाइट से एनर्जी मिलती है उसे कैप्चर करेगा, और वो एनर्जी को यूज़ करेगा टू सिंथेसाइज फूड. फूड बनाने के लिए वो हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसीलिए जब फूड सिंथेसाइज होता है तो वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ही फूड बनता है. कभी भी नाइट टाइम में प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करता,
वो सिर्फ डे टाइम में जब उसे सनलाइट मिलती है तभी वो अपना खाना बना सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इज इट यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ? इसीलिए हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके, अपना खाना बना सके। और ये एक यूनिक प्रोसेस है जो हमारे अर्थ में ही होती है। सोलार एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलार एनर्जी जो सन अपनी लाइट हमें देता है उसको लीव्स कैप्चर करते हैं और उसको एज अ फूड की तरह अपने पास स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए द सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सिर्फ एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है सन। अगर सन नहीं होगा तो फूड प्रोसेस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और लीव्स अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या इस अर्थ में फोटोसिंथेसिस के बिना कोई लाइफ इमेजिन हम कर सकते हैं? अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ तो हमें फूड भी नहीं मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं मिलेगा। इसके वजह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो जो प्लांट अपना फूड बनाता है उस पर ही डिपेंड होते हैं, बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अब ऑक्सीजन, हमें सबको पता है कि विदाउट ऑक्सीजन वी कैंट लिव मोर देन 2 to 3 seconds ओनली। सो ऑक्सीजन नहीं होगा तो वैसे ही हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये ऑक्सीजन हमें कौन देता है? तो ये ऑक्सीजन हमें प्लांट्स देते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में के टाइम पे जो भी लीव्स अपना फूड बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर प्लांट नहीं हुए तो यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और ऑक्सीजन वो प्रोसेस होना बंद हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हम अदर प्लैनेट्स में देखते हैं। नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो क्लोरोफिल जो लीव्स कंटेन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन सब को यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं और ये पूरे प्रोसेस को यहाँ पर इक्वेशन में दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसे कहाँ मिलेगा, सराउंडिंग एयर से। देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट प्रेजेंट रहती है और क्लोरोफिल भी जब लीव्स में प्रेजेंट रहता है तो हमें क्या मिलता है एज अ प्रोसेस, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डायरेक्टली एयर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को हम कंज्यूम करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो जो फूड हमें मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। सो यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि स्ट्रोमेटा का डायग्राम है जो मैंने तुम्हें समझा दिया है। यहाँ पर देखो ये लीव्स, सेक्शन ऑफ लीव यानी लीव को कट करके उसे फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है तो वो इस तरह का कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यहाँ पर गार्ड सेल्स हैं और यहाँ पर स्टोमा है। ये देखिए स्टोमा, और ये स्टोमा को फिर यहाँ पर और भी ब्रॉड करके बताया गया है। यहाँ पर स्टोमेटल ओपनिंग और दीज आर द गार्ड सेल्स। तो ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटा यानी स्टोमेटा जब ओपन होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा। नाउ यू कैन सी वन डायग्राम ओवर हियर। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये प्लांट है, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब रूट वाटर और मिनरल कहाँ से ले रहा है, सॉइल से। और लीफ में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सन ये सारी प्रोसेस होगी।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. हमको पता है प्रोसेस हुई यानी ऑक्सीजन रिलीज हुआ. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जब प्लांट ने अपना खाना बना लिया तब हमें उसका हमें पता चल गया कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. यानी जो खाना होता है उसमें स्टार्च होता है. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है. तो जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें हमें स्टार्च मिलता है. और स्टार्च क्या है? वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो इसमें हमें क्या पता चला कि जब भी प्लांट अपना फूड प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन. और वो क्या यूज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल इन लीव्स एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल.